आई होप यू ऑल आर फाइन। यस, आप सबने प्रेयर की है? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, यस, प्रीवियस लेक्चर में हमने ए टू एल कंप्लीट किया था, राइट ना? यस, वेरी गुड। आप सब होमवर्क मुझे सेंड कर रहे हो, वेरी गुड। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से बच्चे जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, ओके, उन्हें अच्छे से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा ए टू एल कंप्लीट किए थे, तो एक बार हम ए टू एल रिवाइज करते हैं। ओके, यहाँ मैंने पहले से ए टू एल पूरा लिखा है। फर्स्ट हमारी डेट, व्हाट इज द डेट? 30 सितंबर, वेरी गुड। एंड टॉपिक कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट, राइट, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं ए टू एल। यस, ए फॉर अल्फाबेट, ए फॉर अल्फाबेट। जैसे मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में, मेरे लेक्चर के बाद मैंने आपको पिक्चर्स भी बताई थी, है ना? यस, तो हम उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, है ना? अल्फाबेट मीन्स अल्फाबेट, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स भेजी थी, आपने देखा, वेरी गुड। चलिए, ए फॉर अल्फाबेट, बी फॉर बिग, सी फॉर सर्कल, सी फॉर सर्कल, ए फॉर अल्फाबेट, बी फॉर बिग, सी फॉर सर्कल, डी फॉर डैम, डी फॉर डैम, ई फॉर आइस, ई फॉर आइस, एफ फॉर फिन, एफ फॉर फिन, जी फॉर गन, जी फॉर गन, एच फॉर हैम, एच फॉर हैम, आई फॉर इग्लू, आई फॉर इग्लू, जे फॉर जैम, जे फॉर जैम, के फॉर किट, के फॉर किट, एल फॉर व्हाट? एल फॉर, यस, एल फॉर लॉलीपॉप, एल फॉर लॉलीपॉप, एंड एल फॉर लिप्स, एल फॉर लिप्स, यस। हमारा ये ए टू एल कंप्लीट हो गया है। ओके, आपको अच्छे से बार बार इसे रिवाइज करना है एंड इसका प्रैक्टिस करना है, सबसे ज्यादा इसका हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, जैसे आपको पता है हम वॉवल्स पढ़ रहे हैं, राइट ना? हमारे ए ई आई 3 वॉवल्स कंप्लीट हो गए हैं एंड हमारे 2 वॉवल्स रिमेनिंग है ना? ओ एंड यू। ओके, वेरी गुड। हमने वॉवल्स जो लिखे हैं, जैसे हमें कैपिटल ए टू जेड आता है, राइट, एंड स्मॉल ए टू जेड आता है, देन हमें कर्सिव में भी वॉवल कैसे लिखते हैं वो भी देखना है। मीन्स हम ए कैसे लिखेंगे, सी दिस, ये है हमारा फर्स्ट वॉवल ए, है ना? कर्सिव ए हम कर्सिव में ऐसे लिखेंगे। ओके, देन सेकेंड है ई, ये हमारा सेकेंड वॉवल है ना? वेरी गुड। देन आई, थर्ड वॉवल है ना? यस, तो हमें कर्सिव में ए ई आई ये भी लिखने आना चाहिए। ओके, हमें ऑल अल्फाबेट्स आने चाहिए कर्सिव में, लेकिन हमें वॉवल पे भी ध्यान देना है। ओके, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे, है ना? ए टू एल के आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज अगेन मैं 4 लेटर आपको लर्न कराऊंगी। एल, व्हाट नेक्स्ट? एम, एन, ओ, पी। ओके, एल, एम,
कर्व लेना है, देन स्ट्रेट लाइन रेड लाइन तक, देन ब्लू लाइन तक, एक और एक स्ट्रेट लाइन रेड लाइन तक, देन ब्लू लाइन एंड अगेन लिटिल कर्व एम कर्सिव एम। एक बार फिर बता रही हूं, सी दिस, कर्व लेना है देन रेड लाइन तक एकदम स्लाइडली स्लाइडिंग लाइन लेना है, ओके। फिर अगेन हमें ब्लू लाइन तक लेकर आना है, डाउन अप डाउन एंड कर्व, ओके। क्या हो गया, कर्सिव एम, यस। सी दिस, फोर लाइन में कैसे लिखेंगे, ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है, सेकेंड ब्लू लाइन से हमें स्टार्ट करना है, कर्व लेना है एंड अप रेड लाइन तक जाना है, देन डाउन अगेन ब्लू लाइन, अप डाउन एंड कर्व, कर्सिव एम, कर्सिव एम, वेरी गुड। ठीक है, कर्व अप डाउन अप डाउन एंड कर्व, कर्सिव एम, कर्सिव एम। व्हाट नेक्स्ट, एन, वेरी गुड। एन, एन सेम एज लाइक एम की तरह होता है, सी दिस, छोटा सा कर्व लेना है एंड अप्स रेड लाइन तक जाना है, हाँ स्लाइडिंग लाइन लेनी है, देन डाउन अप एंड कर्व, कर्सिव एन, कर्सिव एन, सी दिस, कर्व अप डाउन एंड अप, कर्सिव एन, कर्सिव एन, वेरी गुड। कर्व अप डाउन अप कर्व, कर्सिव एन, सी। इसे फोर लाइन में कैसे लिखेंगे हम, ये फर्स्ट कर्व देन अप रेड लाइन तक, then down again blue line and up red line and curve, cursive n, cursive n, see once again, curve up down up and curve, cursive n, cursive n. What next, o, cursive o, see this, राउंड लेना है, जैसे हम ओ बनाते हैं, सिंपल है, ऐसे ही हमें ओ बनाना है एंड यहाँ अंदर से एक लाइन लेनी है, ओके। जैसे हम आइस बनाते हैं वैसे ही हमें लाइन लेनी है और यहाँ एक लाइन, ओके, कर्सिव ओ, सी दिस, इसे यहाँ से स्टार्ट करना है, ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है, राउंड एंड अप, कर्सिव ओ, अप राउंड अप, कर्सिव ओ, सी। ओ लाइन में हम कैसे लिखेंगे, कर्सिव ओ हमें सेकेंड ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है, ओके, अप राउंड अप, कर्सिव ओ। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो सिंपल फर्स्ट आपको ओ बनाना है, ओके, देन यहां से इसे अप एंड यहां से ये एक लाइन डाउन, ओके, कर्सिव ओ, ओके। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मेरे वीडियो को अच्छे से देखना है तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है P, कर्सिव P, ये बहुत इजी है, सी, फर्स्ट कर्व P, जैसे हम B के लिए रेड लाइन से नीचे आते हैं ब्लू लाइन, देन राउंड लेना है और एक सिंगल कर्व बनाना है हमें, एक सिंगल कर्व बनाना है, ओके,
से पी से स्टार्ट करेंगे रेड लाइन से, देन डाउन राउंड लेके अगेन ऊपर जाना है एंड वन सिंगल कर्व कर्सिव पी. वेरी गुड. सी दिस, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आना है, देन राउंड लेना है अगेन रेड लाइन तक एंड ब्लू लाइन, फर्स्ट ब्लू लाइन तक कर्व करना है कर्सिव पी. सी हम रे इसे ओ लाइन में कैसे लिखेंगे. रेड लाइन से हमें ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन लेनी है, देन रिपीट हमें ऊपर जाना है एंड एक कर्व बनाना है कर्सिव पी. ओके वेरी गुड. सी दिस कर्सिव पी, है ना इजी. वेरी गुड. एम एन ओ पी, एम एन ओ पी. ओके सबको अच्छे से समझ में आया. आपको मेरा वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखना है, कैसे मैं चौक को मूव कर रही हूँ उस पर ध्यान देना है. ओके एंड अपनी रेड एंड ब्लू लाइन बुक में कॉपी करना है. चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ रेड एंड ब्लू लाइन बुक में आपको कैसे लिखना है. ओके ओपन योर रेड एंड ब्लू लाइन बुक, स्टार्ट करते हैं. चल है ना, जैसे हम शुरू से लिखते आ रहे हैं नीट एंड क्लीन. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. एम से सेकेंड ब्लू लाइन से कर्व करना है, स्टार्ट करना है अप डाउन अप डाउन एंड कर्व एम. ओके देन एन सेकेंड ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है अप डाउन एंड अप एंड कर्व एन. राइट यस. सी दिस M, cursive M, up, down, up, down and curve, cursive M, curve, up, down and up and curve, cursive N. एक बार फिर curve and up. Down, up, down and curve. Cursive M. Curve, up, down, up and curve. Cursive N. Very good. Cursive M, cursive N. Then one page complete हो गया है. Then सेकेंड पेज. ओके सेकेंड पेज में हमें लिखना है ओ. सी दिस अप एंड सर्कल एंड अप ओ और ओ पी डाउन अप एंड वन कर्व पी कर्सिव ओ कर्सिव पी. Once again, up, round, up, cursive, O, down, up, and one, curve, cursive, P, okay? फिर से देखिए, see this, इस तरह एक बार लिखती हूँ, आपको easy रहेगा, okay? And one, line, then down, up and one curve, cursive P, cursive O, cursive P. इसी तरह आपको आपकी रेड एंड ब्लू लाइन बुक में लिखना है. आपको टू पेज में कंप्लीट करना है. वन पेज M N एंड सेकेंड पेज O P. ओके आपको होमवर्क करना है टू टाइम. हाउ मेनी टाइम. Two time. Very good. Two time. Homework. Okay? और
एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, चलिए हम एक बार रिपीट करते हैं। एम फॉर मैप, एम फॉर मैप। मैप पता है आपको? यस, आपने इंडिया का मैप देखा होगा। हमने द शॉर्ट वोवल ए में पढ़ा था, MAP, मैप, राइट? वेरी गुड। एम फॉर मैप। एन फॉर नेट, नेट, नेट याद है आपको? आपके क्लास टेस्ट में भी आया था पिक्चर बनाने के लिए। वेरी गुड। हम शॉर्ट वोवल साउंड ई में पढ़े हैं, है ना? नेट, NET, नेट। एम फॉर मैप, एन फॉर नेट, एन फॉर नेट। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज पता है ना आपको? ये संतरे को कहते हैं। ओ फॉर ऑरेंज। एंड पी, पी फॉर पिग, पी फॉर पिग, पिग याद है? यस, हमने शॉर्ट वोवल साउंड आई में पढ़ा है, पी, है ना? ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पिग। ओके, एक बार फिर रिपीट करते हैं। एम, एम फॉर मैप, एम फॉर मैप। एन फॉर नेट, एन फॉर नेट। ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पिग, पी फॉर पिग। यस, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, हमने कर्सिव ए टू एल कंप्लीट किया है, तो हमने देखे कि हमारा ए, वॉवेल ए जो है वो हम कैसे लिखते हैं, है ना? AEI। ओके, आज हमने अगेन फोर अल्फाबेट लर्न किए हैं। इसमें हमारा एक वॉवेल है ओ, है ना, जो हम आगे लर्न करेंगे, राइट? यस, वेरी गुड। ओ, तो हमारा जो फोर्थ वॉवेल है वो हम ऐसे लिखेंगे, ओ, कर्सिव में ओ। ओके, वेरी गुड। हमें वॉवेल्स भी याद रखने हैं, है ना? ओके, चलिए, तो अच्छे से होमवर्क करना है, नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। वन पेज MN, वन पेज OP। ओके, इसी तरह आपको टू टाइम होमवर्क करना है। अच्छे से मेरा वीडियो देखना है, कैसे चॉक मूव कर रही हूँ, उसी तरह आपको पेंसिल से लिखना है। फोर लाइन को बराबर प्रॉपरली आपको यूज करना है। ओके, और अच्छे से याद करना है। एम फॉर मैप, एन फॉर नेट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पे। वेरी गुड। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।